नाजरीन सदाकत न्यूज नेटवर्क में कैसर रजा हुसैनी का सलाम। आइए आपको एक खास खबर की तरफ मुतवज्जे कर। वो भुखमरी की रिपोर्ट देखी होगी ना, 107वें नंबर पे हमारा इंडिया, 107वें नंबर पे। क्यों? मोदी जी के राज में तो गया है। वे झंडे से ऊंचा हमारे बच्चों की रोटी प्यारी है। हमें हमारा भगवा झंडा ऊंचा नहीं चाहिए, पहले हमें हमारे बच्चों की रोटी चाहिए, उसके बाद तो हम अपना धर्म खुद देखेंगे। 1947 से हम आजाद हुए हैं। 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया, अकेले मोदी जी ने 100 लाख करोड़ का कैसे कर्जा ले लिया। 155 लाख करोड़ कर्जा है हम पे, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। एक ईंट खरीदने के लिए हम लोग पता है कितने घंटे मेहनत करते हैं, कैसे कैसे हम लोग घर खड़ा करते हैं, और एक मिनट में बुलडोजर आता है और सारा घर खत्म कर जाती है। बीसीसीआई का सचिव बन जाता है उनका लड़का, कैसे बन जाता है। एक पेड़ को खोखला करने के लिए ना दीमक को 18 घंटे काम करना पड़ता। इन पेड़ों को खोखला करने के लिए हम लोग जनता पेड़ है, हम लोगों को खोखला किया जा रहा है पूरी तरह। नमस्कार। आने वाले वक्त में 2024 लोकसभा चुनाव होने, लेकिन उससे पहले ही झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, डीडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं झुग्गियों को लेकर, क्योंकि उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। आप एक बार मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि पीछे की तस्वीर दिखा दें, जिस तरीके से लोग सड़कों पर बैठे हैं, झुग्गियों से भी गुहार लगा रहे हैं, नाराजगी दोनों ही सरकार से, लेकिन समझते हैं कि आज इनका विरोध क्या मांगे लेकर आए हैं और क्यों इतना विरोध कर रहे हैं। अब बाधा तो आपके सामने ही है, हमारे बच्चे ये कितने पढ़े लिखे 10वीं 11वीं पास करके, ये हैं सरकार के वादे। मैं बाकी तो सरकार देख रही है, आप सब देख रहे हैं। हाँ, अभी तो देख रहे हैं मोदी जी की, हर किसी का अपना घर हो, गरीबों का घर हो। हैं मोदी जी तो सपना देख रहे हैं ना कि हर गरीब का। मोदी जी देख रहे होते तो आज हम लोग फुटपाथ पे होते? कुछ भी नहीं देख रहा है। आप बताइए मैडम, आज हम फुटपाथ पे होते? लेकिन मोदी जी तो घर दे रहे हैं, तोड़ तो नहीं रहे। कहाँ जा रहे हैं वो घर, किसको दे रहे हैं? 500 घरों में से 100 यानी कुछ ही अपने गरीबों को तो मिल जाते हैं, 400 घर यानी उन्हीं के चमचों को यानी पहुंच जाते हैं। हाँ, ये है देश की पॉलिटिक्स। मतलब ये जो योजना है ये भी सिर्फ एक राजनीति का हिस्सा? राजनीति है, हर जगह राजनीति है, कहाँ राजनीति नहीं है? नीचे से लेके ऊपर तक राजनीति ही है। अच्छे दिन की बात सरकार कर, अच्छे दिन बड़ों के लिए एसी में बैठे हैं, देखो सारे डीडीए में, ये हमारी जनता की दम पे बैठे हैं। सही बात, ठीक है। तो कैसे और हम लोग यानी बाहर फुटपाथ पे बैठे हैं, ये हाँ, ये हैं अच्छे दिन, ठीक है। हमारा घर नहीं टूटता तो हम क्यों ढक्का मारते हैं? तो 18 घंटे काम कर रहे हैं, देश सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया उन्होंने। उनको एक के करे से क्या होगा, जब सब करें यानी 18 घंटे, जब तो देश का यानी विकास होगा। मैम अगर मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, तो 18 घंटों में इन अधिकारियों को क्यों नहीं देख रहे कि ये मतलब बेघर कर रहे हैं बंदों को, क्यों कर रहे हैं? आपने बोला था जहाँ एक पेड़ को खोखला करने के लिए ना दीमक को 18 घंटे काम करना पड़ता, हम पेड़ों को खोखला किया जा रहा है, पेड़ों को खोखला करने के लिए हम लोग जनता पेड़ है, हम लोगों को खोखला किया जा रहा है पूरी तरह। गरीबों की सरकार अब तो सत्ता में है, मजदूरों की बात कर रहे हैं, फिर भी इतना नाराजगी क्यों? कहाँ है गरीबों की सरकार? गरीबों की सरकार होती तो गरीब सड़कों पे बैठी होती। सही बात है, हम गरीब सड़कों पे बैठे होते। गरीबों की कोई सरकार नहीं है, अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है। अडानी को देखो कहाँ पहुँचा है, 3 साल में 1800 गुना प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। बीसीसीआई का सचिव बन जाता है उनका लड़का, कैसे बन जाता है, कैसे बन जाता है उनका लड़का? आप सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं, केंद्र सरकार तो लगातार दावे करती है कि गरीबों की सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है, फिर विश्वास क्यों नहीं बन पा रहा? विश्वास ऐसा है केंद्र सरकार में, यही विकास सदन है, यही विकास सदन है। यहाँ पे हम लोगों को बुलाया गया था 2 नवंबर 2022 को, मेरे मम्मी पापा भी आए थे उस दिन। 575 लोगों को बुलाया गया था चाबी देने के लिए, मोदी जी ने चाबी दी 575 लोगों को। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि भूमि इन कैंप के 3024 लोगों को फ्लैट दिया जा रहा है, लेकिन दिया कितनों को, हम 1862 परिवारों को फ्लैट दिया गया, 1200 लोगों को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट किया गया किसी के पास राशन कार्ड सेपरेट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा बोला है कि 10 साल हो गए, 10 साल से हम किसी स्टेट गवर्नमेंट को कोटा नहीं देंगे, 10 सालों से हमारा झुग्गी वालों का किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है। अब 9 साल पहले किसी की शादी हो रही है, किसी की 8 साल पहले शादी हो रही है, तो 10 साल पहले कहाँ से अपना सेपरेट राशन कार्ड बना लेगा, 10 साल पहले वो कैसे बना लेगा? अब मम्मी पापा के साथ हम लोगों का राशन। मोदी जी क्या रहे ना कि आप अगर अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो मुझे वोट दो, बीजेपी को वोट दो, बाकी नेताओं को वोट देंगे तो उनके बच्चों का भला होगा। बाकी नेताओं, मोदी जी को बाकी नेताओं को ऐसे बिना वोट दिए 303 एमपी जीत गए उनके, बिना वोट दिए जीत गए, लोगों ने वोट दिया है उन्हें, लोगों ने उन पर विश्वास किया है, हमने ये सोचा कि हाँ ये हमारा भला करेगा, तब हमने 303 एमपी लोकसभा में भेजे, लेकिन वो हमारी पूरी तरह से क्या कर रहे हैं भैया, सामने देख रहे हैं आप लोग, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। एक ईंट खरीदने के लिए हम लोग पता है कितने घंटे मेहनत करते हैं, कैसे कैसे हम लोग घर खड़ा करते हैं, और एक मिनट में बुलडोजर आता है और सारा घर खत्म, कैसे हम लोग रहेंगे, कैसे बच्चे पालेंगे? मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दो दो बेटियां हैं मेरी दो दो बेटियां, मैं कैसे पढ़ा लूंगा, कैसे पढ़ा लूंगा उन्हें, कैसे बचा लूंगा? अब आप बताओ, 10,000 रुपये किराया है दिल्ली में, मैं 12,000 रुपये कमाता हूँ, 10,000 रुपये यदि मैं किराया दूंगा तो 2,000 में मैं महीने का चला लूंगा अपने बच्चों को, आप बताओ।
लेकिन देखिए 9 साल में कितना विकास हुआ, पहले की सरकारों में विकास हो पाया? क्या विकास हुआ है, कहाँ दिखता है आपको विकास? हमें तो नहीं दिख रहा कहीं। अगर विकास होता तो ये फुटपाथ पे बंदे जो भटक रहे हैं, ये फुटपाथ पे भटकते। विकास होता तो फुटपाथ पे भटकते बंदे। सरकार तो दावा कर रही है कि बेहिसाब विकास हो गया ना, ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, कागजी बातें हैं। जमीन पे उतर के देखिए, हम लोग वैसे जिसके पास 303 एमपी होंगे तो वो तो पावरफुल होगा विदेशों में। इंडिया में बात करो ना, इंडिया में आप कितने पावरफुल हो, विदेशों में तो आपको माना जाएगा भाई 75 लोग एक तरफ है, 25 लोग एक तरफ है, तो 75 की पावर ज्यादा होगी 25 की होगी। 303 एमपी आपके पास है तो आपकी इज्जत ज्यादा होगी। वो मोदी जी की इज्जत नहीं हो रही, हमारे भारत की इज्जत हो रही है। मोदी जी की एक पैसे की इज्जत नहीं है। चार चाहते हैं, सरकार तो राशन से लेकर दाल चावल आपको दे रही है, फिर भी नाराज। कहाँ दे रही है, 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल में हम लोग खा लेंगे महीना? मैम जो राशन 4 किलो गेहूँ देती है हमें और 1 किलो चावल देती है, उसमें खा लेंगे महीने का जो राशन? वो ये है राशन दे के लोगों को बताया जाता है कि आपको राशन दिया जा रहा है, भूखे भूखे रह रहो, राशन लो, राशन खाओ। बाकी चीज और कहाँ से लाएंगे, हम लोग अपनी मेहनत से करते हैं। नमक भी लगता है, आटा भी लगता है, तेल भी लगता है, मसाला भी लगते हैं, गैस भी लगती है। गैस का आपने सोचा कभी? पेट्रोल के बारे में सोचा है? सब्जी बिक रही हो 40 रुपए किलो हो जा रही है पेट्रोल के हिसाब से। जब पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज बढ़ेगी जी। तो उस हिसाब से क्या नया सरकार में आपको दिख रहा है? मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, ये बस लूट के खाने वाली सरकार है। गरीबों को एकदम कुचला जा रहा है, मसला जा रहा है, कीड़े मकोड़े समझा जा रहा है गरीबों को। बाकी जो पैसे वाले हैं, पैसे वाले बनते जा रहे हैं। मोदी से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब से हमें आजादी मिली 1947 से हम आजाद हुए हैं, 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया, अकेले मोदी जी ने 100 लाख करोड़ का कैसे कर्जा ले लिया? 155 लाख करोड़ कर्जा है हम पे, है कि नहीं है? आप बताइए, मेरे से तो आप बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, आप खुद जानती होंगी। 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया, एक अकेले प्रधानमंत्री ने दुगना कर्जा ले लिया 14 × 28 प्रधानमंत्रियों के बराबर। लड़ाई भी तो लड़ रहे ना भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बात है, सब कागजी बात है। आप लोग उन्हीं से करिए जो कागजी ज्ञान देते हैं। आप गरीब हैं, आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, पूरे दिन का आपका संघर्ष हम सब देखते रहते हैं, 12 घंटे क्या चाहते हैं आप सरकार? कैसी? हम सिर्फ इतना चाहते हैं, यदि हमारा आवाज तोड़ा जा रहा है तो हमें आवाज तोड़ने से पहले हमारे प्रूफ चेक किया जाए। लोकसभा में बिल पास है, राहुल गांधी ने खुद बोला है 2014 से पहले का जिसके पास कागज है वो पूरी तरह से दिल्ली वासी है, ये खुद कहा है ना लोकसभा में, ये बातें है ना। मोदी जी भी तो सपना देख रहे हैं कि हर गरीब की अपनी छत हो, अपना घर हो, तो है कहाँ है? मोदी जी ने तो बोला था हर बेघर को घर मिलेगा, या तो जिसका घर हो उसको ही उजाड़ के भगा रहे हैं, कहाँ बेघर को घर दे रहे हैं? जिसका घर है उसको भी भगा रहे हैं, और जिसका घर नहीं है उसको तो पूछो ही मत बस। और जो बोल रहे हो ना कि विकास हुआ है, विकास हुआ है, मैम मैं बताऊँ 9 साल में सिर्फ क्या विकास हुआ है, महंगाई का विकास हुआ है सिर्फ, और कुछ नहीं हुआ। देखो 200 रुपए किलो तेल हो गया, 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, 100 रुपए की चने की दाल हो गई है, चावल 50 रुपए किलो हो गया, चीनी 60 रुपए किलो। आप इतनी बात कर रहे हैं, एक और सवाल मैं आपसे लूंगी, बैठिए। 24 का चुनाव नजदीक है, बीजेपी कह रही है कि हम फिर से जीत कर आ रहे हैं, गरीब क्या सोच कर बैठा है जिनकी झुग्गी इस वक्त टूट गई है? हमें हमारे भगवे झंडे से ऊंचा हमारे बच्चों की रोटी प्यारी है, हमें हमारा भगवा झंडा ऊंचा नहीं चाहिए, पहले हमें हमारे बच्चों की रोटी चाहिए, उसके बाद तो हम अपना धर्म खुद देखेंगे, हम झेलेंगे। उसके लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को, ये हमारा हक है। हम किसे पूजेंगे, किसकी पूजा करेंगे, या किसे मानेंगे या किसे नहीं मानेंगे, वो नेताओं को नहीं बोलना पड़ेगा, वो हम लोग चाहते हैं, हम लोग अपना झेल लेंगे। आप लोगों का काम है, आप हम लोगों से टैक्स लेते हो, आप हम लोगों के लिए भलाई का काम करो, हमारी जो भी हमारे लिए सुविधाएं दो, ये हम चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारा भगवा झंडा ऊंचा करो और हमारे बच्चे घर में भूखे मरे, हम ये नहीं चाहते, हमें भगवा ऊंचा नहीं चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग है, ये दर्द को समझेंगे, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही दर्द नहीं समझा, इन्होंने बोलते कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे, ये तो धोखेबाज सरकार है, सही बताऊं तो मैं। हम हमारे ऊपर दर्द बीत रहा है ना, हमसे पूछो ना हम किस दर्द से गुजर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें बेघर करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। मोदी जी ने बोल जी तो कहते मैंने गरीबी बहुत नजदीक से देखी है, मैं जानता हूँ गरीबी क्या होती है। आप आंकड़े देखिए, विदेशी आंकड़े बताते हैं। आपने वो वाली वो भुखमरी की रिपोर्ट देखी होगी ना, 107वें नंबर पे हमारा इंडिया, 107वें नंबर। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।